पुरानी है पाकिस्तान की ये बेशर्मी, अमेरिकी चेतावनी के बाद भी नहीं हुआ कोई असर। पाक के अखबार डॉन के अनुसार पाक ने पुलवामा आतंकी हमले पुलवामा टेरर अटैक को लेकर भारत द्वारा दिए गए सबूतों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को जैश मोहम्मद के खिलाफ दिए गए भारत के डोजियर को भी नकार दिया है। उसे जांच में पुलवामा हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत नहीं मिला है। डोजियर में भारत ने पाक सीमा में 22 स्थानों पर आतंकी शिविर होने के सबूत दिए थे, इसे भी पाक ने खारिज कर दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसी बेशर्मी दिखाई है। इससे पहले भी पाकिस्तान भारत द्वारा दिए गए सबूतों और डोजियर को कई बार नकार चुका है, फिर चाहे मामला मुंबई आतंकी हमले का हो या पाक में छिपे बैठे दाऊद, हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ सबूतों का। पाकिस्तान हर बार इन सबूतों को नजरअंदाज कर देता है, चाहे भले ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का सामना क्यों न करना पड़े। अमेरिका ने तो पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी, लेकिन वे अपनी आदत से बाज आने को तैयार नहीं है। आइए जानते हैं पाकिस्तान ने कब कब भारत के सबूतों को खारिज किया है। पुलवामा आतंकी हमला। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। हमले के तुरंत बाद पाक से संचालित होने वाले आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने 21 वर्षीय आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार का एक वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भी पड़ोसी मुल्क ने इस हमले में पाक की भूमिका को खारिज कर दिया। पुलवामा का बदला लेने को 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में चल रहे जैश मोहम्मद के आतंकी शिविर पर एयर स्ट्राइक और स्ट्राइक की, इसे भी पाक ने खारिज कर दिया। बावजूद अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने अमेरिका के F-16 विमान भारतीय सीमा में भेज सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का नाकाम प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज अभिनंदन ने पाक सीमा में एक F-16 विमान को मार्च गिराया। बावजूद पाकिस्तान अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आया। अपने पायलट की शहादत को सम्मान देना तो दूर, पाक ने अमेरिका के डर से F-16 विमानों का प्रयोग करने की बात को ही खारिज कर दिया। पाकिस्तान जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को बचाने के लिए हमेशा चीन का इस्तेमाल करता रहा है। मुंबई आतंकी हमला 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में कई जगहों पर लगातार हमला किया। इसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताज पैलेस एंड टावर, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस, यहूदी समुदाय केंद्र, मेट्रो सिनेमा, सेंट जेवियर कॉलेज आदि भीड़ भाड़ वाली जगहें शामिल थीं। 4 दिन तक लगातार चले इस हमले में आतंकियों ने जमकर कत्ले आम मचाया, जिसमें 164 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 308 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मारे गए व घायल लोगों में अमेरिका समेत कई देशों के नागरिक शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया। उसने खुलासा किया था कि सभी आतंकी लश्कर ए तैयबा के सदस्य थे और पाकिस्तान से आए थे। उनके हैंडलर भी पाकिस्तान में हैं। पहले तो पाकिस्तान ने अजमल को पाकिस्तानी नागरिक मानने से इनकार कर दिया। जब पाक मीडिया समेत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अजमल के परिवार का साक्षात्कार दिखाया, तो पाकिस्तान ने भारी दबाव में 7 जनवरी 2009 को उसे अपना नागरिक माना। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान ने अपने देश में बैठे इस हमले के जिम्मेदार हाफिज सईद समेत आतंकी अन्य आकाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मुंबई हमले में लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की भूमिका के सबूत भारत ने ही नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी और अमेरिकी सेना ने भी पाकिस्तान को सौंपे थे। बावजूद पाकिस्तान ने बेशर्मी दिखाते हुए कहा कि हाफिज सईद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का प्रमुख अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 जगहों पर हुए सीरियल बम धमाकों में वे मुख्य आरोपी है। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दाऊद को अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। बावजूद वह कई दशक से पाकिस्तान के कराची शहर में सेना की कड़ी सुरक्षा में आराम से रह रहा है। भारत कई बार दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र को सौंप चुका है। बावजूद पाकिस्तान ने हर बार इन सबूतों को खारिज कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम की तरह ही भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन भी पाकिस्तान में छिपा बैठा है।
वह पाकिस्तान से ही रहकर भारत के खिलाफ अपना आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन चलाता है। हिजबुल भारत में कई आतंकी वारदात को अंजाम दे चुका है। सैयद सलाहुद्दीन भी वैश्विक आतंकी घोषित है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और रावलपिंडी में उसके आतंकी ठिकाने हैं। भारत उसके खिलाफ भी पाकिस्तान को कई बार सबूत और डोजियर दे चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने इन्हें नकार दिया। ओसामा बिन लादेन अलकायदा चीफ और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में शुमार ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में छिपा बैठा था। पाकिस्तान में बेहबटाबाद स्थित सैन्य मुख्यालय के करीब अपने पूरे परिवार के साथ और कड़ी सुरक्षा में रह रहा था। पाकिस्तान ने उसकी मौजूदगी दुनिया से छिपाए रखी। ओसामा बिन लादेन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर और पेंटागन पर हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इन हमलों में तकरीबन 4000 लोग मारे गए थे, जबकि 70 देशों के हजारों नागरिक घायल हुए थे। इन हमलों को 4 विमानों को हाईजैक कर अंजाम दिया गया था। आखिरकार 2 मई 2011 को अमेरिकी कमांडो ने एक बेहद सीक्रेट मिशन में पाकिस्तान के एबटाबाद स्थित घर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और उसका शव भी साथ ले गए थे। इससे पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बेनकाब हुआ था। पठानकोट आतंकी हमला 2 जनवरी 2016 की सुबह 6 पाकिस्तानी आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद पाकिस्तानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT ने 29 मार्च को पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने उन्हें हमले की पूरी जानकारी दी। 5 दिन तक छानबीन करने के बाद JIT पाकिस्तान वापस लौट गई। वहां उन्होंने कहा कि टीम को एयरबेस पर मेन गेट की जगह दूसरे संकरे रास्ते से ले जाया गया। JIT ने कहा कि एयरबेस का उनका दौरा महज 55 मिनट का था, जो सबूत जुटाने के लिए काफी नहीं था। लिहाजा टीम ने आतंकी हमले संबंधी भारत के सबूतों को नकार दिया था। JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्हें हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। वहीं मामले में NIA ने JIT को हमले से जुड़े पुख्ता सबूत दिए थे। इनमें 4 आतंकियों की DNA रिपोर्ट, उनकी पहचान, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों शामिल होने के सबूत और फोन कॉल रिकॉर्ड आदि शामिल थी। इस हमले का मास्टरमाइंड भी जैश सरगना मसूद अजहर ही था। 2 सैनिकों का सिर काटा 1 मई 2017 में पाकिस्तानी की बॉर्डर एक्शन टीम BAT ने भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में करीब 250 मीटर अंदर घुसकर 2 भारतीय जवानों का सिर काट लिया और अपने साथ ले गए। इसमें भी भारत ने पाकिस्तान को पुख्ता सबूत सौंपते हुए जिम्मेदारी सैन्य अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने इसे भी खारिज कर दिया। इसके अलावा भी भारत में हुए कई आतंकी हमलों और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने जैसी तमाम घटनाओं में पाकिस्तानी आतंकी संगठन शामिल रहे हैं। भारत ने वक्त वक्त पर इसके सबूत भी सौंपे, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इन सबूतों को नकार दिया। पाकिस्तान स्वतंत्र एजेंसी या तीसरे पक्ष से इन सबूतों की जांच कराने को भी तैयार नहीं है।